यूपी में मकान बनवाने वालों के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रदेश के ईंट भट्टे एक साल के लिए बंद होने वाले हैं। ईंटों पर जीएसटी बढ़ाए जाने से यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन नाराज है। एसोसिएशन ने कोयले की कीमतों में 200 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी और जीएसटी बढ़ाए जाने के बाद ईंट भट्टों को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश को सालाना 12 लाख टन कोयला मिलना था, लेकिन पिछले 4 सालों में महज 76,000 टन कोयला मिला है। विदेश से आने वाला कोयला काफी महंगा हो गया है। इसके साथ ही यूपी ब्रिक्स एसोसिएशन की सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण में लाल ईंट की आंशिक पाबंदी पर भी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक ईंट भट्टे बंद रखने और देश में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में 19,000 ईंट भट्टे हैं जो एक साल तक बंद रहेंगे। इसका सीधा प्रभाव मकान बनवाने वालों पर पड़ेगा, यानी आने वाले समय में ईंट के दाम आसमान छू सकते हैं। ब्रिक्स एसोसिएशन के अधिकारियों ने बताया है कि ईंट निर्माण में उत्पादन लागत 4 गुना बढ़ गई है। इसके चलते भट्टा मालिक कर्ज के तले डूब चुके हैं। उत्पादन लागत इतनी बढ़ गई है कि मुनाफा छोड़िए लागत मूल्य भी निकालना मुश्किल हो गया है।